तो दोस्तों, फाइनली ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा को हो चुके हैं 11 दिन। इन 11 दिनों में फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, फिल्म का आज का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है, सारी की सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 175 करोड़ रुपये का है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों पुष्कर गायत्री जी ने। आपको बता दें कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। साथ ही साथ दोस्तों ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, राधिका आप्टे इस फिल्म के अंदर मुख्य किरदार में हैं। ऋतिक रोशन इस फिल्म के अंदर वेदा बने हैं, वहीं सैफ अली खान विक्रम बने हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि पहले दिन फिल्म ने 10,58,00,000 का कलेक्शन किया, जो कि अपने आप में एक नॉर्मल सा कलेक्शन है। वहीं दोस्तों वीक वन के कलेक्शन की, यानी कि पहले हफ्ते का कलेक्शन देखा जाए, तो फिल्म ने 58,57,00,000 का कलेक्शन किया, जो कि एक नॉर्मल कलेक्शन है। फिल्म का ज़्यादा कुछ खास भी नहीं हुआ, ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, मतलब एक एवरेज कलेक्शन रहा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के कल के कलेक्शन की, यानी कि संडे की। तो दोस्तों हमको जैसा पता है कि संडे को जो है फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है, क्योंकि उस दिन काफ़ी सारे ऑफिसेज की छुट्टी रहती है, लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं थिएटर्स में मूवी देखने के लिए। तो फिल्म का कल का कलेक्शन 3,95,00,000 रुपए का है। वहीं दोस्तों अगर बात करें डे 11 यानी कि मंडे के कलेक्शन की, यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आज ये फिल्म आराम से 1,50,00,000 तक का कलेक्शन कर सकती है। वहीं दोस्तों आज का मिला के टोटल कलेक्शन इस फिल्म का हो जाएगा 70,59,00,000 रुपये। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं फिल्म अभी भी थोड़ा सा फ्लॉप साइड में चल रही है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म कब तक प्रॉफिट में आती है। अब आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।